हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है घातांक पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। घातांक के बारे में जो भी फॉर्मूला बने थे वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, और फॉर्मूलाज करने के बाद जरूरी होता है हम उन पर आधारित प्रश्न करें। जब तक हम उन पर प्रश्न नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम उन्हें याद रख ही नहीं पाएंगे। आप चाहे फॉर्मूलाज को कितना भी टाइम याद करते रहिए, क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप उसे भूल जाओगे। जरूरत होती है उसे प्रैक्टिस में लाने की, तो इसीलिए आज हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 की घात 5 गुना 3 की घात 8 गुना 3 की घात 6, और इसका मान हमें यहाँ ज्ञात करना है कि आंसर क्या बनेगा। हमने आपको बताया था, देखिए एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जैसे ये x है और इसकी घात है a, तो इसमें क्या है, ये है आधार और ये है घात। कभी भी कोई सी भी क्वेश्चन में जब आधार समान हो जाते हैं, जैसे कि यही था x की घात a इंटू x की घात b, तो दोनों में आधार समान है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो क्या हो जाता है, आधार समान होने पर घात आपस में जुड़ जाती है। तो इसे हम कैसे कर लेंगे, x की घात a जमा b, यही बताया था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर तो हमारे इस क्वेश्चन में आधार समान है सभी में, 3, 3 और 3, तो क्या होगा, आधार लिखिए, इसकी घात को आपस में जोड़ दीजिए, 5 जमा 8 जमा 6 इक्वल टू कितना हुआ, 5 और 8 13 और 6 19, तो 3 की घात 19, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, तीन बटा पांच की घात 3 इंटू 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात है 2 - 2x - 1। तो देखिए सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखनी है, घात सब जो आधार है वो समान है या नहीं। तो आधार तो सभी में समान है, क्या करना है, पहले इधर का सॉल्व कीजिए, 3/5 की घात आपस में जुड़ जाएंगी, 3 जमा इधर -6 और ये हो जाएगा 3/5 घात 2x - 1। अब ये यहाँ घात घटेंगी, 3/5 की घात क्या हो जाएगी, जब ये बाहर निकलेगा -6 हो जाएगा, और -6 में से 3 घटेंगे तो -3 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। अब ये देखिए आधार समान है दोनों तरफ बिल्कुल, ये देखिए इधर भी और इधर भी समान है, तो हमें इनकी तुलना कीजिए। अब तुलना किसकी करनी है, इनके घात में, इधर -3 और इधर 2x - 1। अब इसे सोल्व कर दीजिए, क्या होगा, 2x बराबर ये -3 और ये जब बदल के गया है तो +1, तो 2x बराबर कितना हुआ, 3 में से 1 गया -2, x बराबर क्या हो जाएगा, -2/2 कटेगा तो -1, तो इसका उत्तर यहाँ क्या निकल कर आएगा हमारा, -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, इसलिए इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम यहाँ आपको करा देंगे, तो जरूरत है आपको एक ही टाइप के कई कई क्वेश्चन करने की। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 8 की घात है x जमा 1 और इधर है 64, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है 3 की घात 2x जमा 1 का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। देखिए देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लगता है, लेकिन सोल्व करने का तरीका आप वही रखिए जैसे हमने अभी किया था। सबसे पहले हम केवल इतने क्वेश्चन को देखेंगे, इसे छोड़ दीजिए, इतने में ये देखिए कि यहाँ जो आधार है इधर भी आप वही आधार लेकर आइए, तो इधर क्या है 8 की पावर x+1 और इधर 64 है। अब इसमें 64 को अगर हम घात के रूप में बदले तो हम 2 के आधार के रूप में भी बदल सकते हैं, 4 के आधार के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन हमें बदलना किसमें है, हमें बदलना है 8 के आधार के रूप में, तो 8 के आधार में बदलेंगे, 8 8 64, 8 की घात कितनी हो जाएगी 2। अब दोनों तरफ आधार समान हो चुके हैं, तो क्या करना है, घात की तुलना करनी है,
एक्स जमा एक बराबर दो, एक्स बराबर क्या हुआ दो माइनस एक बराबर एक, तो एक्स का मान हमारा निकल चुका है एक। अब हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, यहां तक हम निकाल चुके हैं, अब देखिए जो हमें निकालना है उसको, तीन की पावर एक्स टू एक्स जमा एक का मान हमें ज्ञात करना है, तो एक्स का मान रख दीजिए दो गुना एक जमा एक, तो क्या हो जाएगा तीन की घात दो एकम दो जमा एक बराबर तीन की घात तीन, ये ही इसका उत्तर बन जाएगा यहाँ से, और तीन की घात तीन अर्थात तीन की अनौतिया सत्ताईस, ऐसे आंसर दिया हो ये लिख दीजिए और ये दिया हो तो ये लिख दीजिए। तो आप समझ चुके होंगे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही तरह के कई क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाती है और आप जल्दी से आंसर बता पाते हो, ये तो मैं खोल के बता रही हूँ, वरना आप इन क्वेश्चन को सीधे सीधे आधार की घात देखिए और उन्हें आपस में जोड़ दीजिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 की घात एक्स इंटू 21 की घात 6 बराबर 21 की घात है 13। देखिए क्या करना है हमें, खोल के मत कीजिए आज जब में टाइम बहुत कम होता है, पता है सारे आधार समान है, तो क्या करना है एक्स प्लस 6 इक्वल टू कितना हुआ 13, तो x बराबर 13 में से 6 का 7 आंसर निकल गया हमारा, x का मान कितने आसानी से निकल गया। खोल किस लिए बताया जाता है, ताकि आपको तरीका पता चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है 1000 की घात है 12 और इसे भाग देना है 10 की घात 30 से, तो मान ज्ञात कीजिए कितना हो जाएगा। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है कि आधार समान करने हैं, यहाँ कितने हैं 1000 और यहाँ है 10, तो 10 की घात के रूप में कर लीजिए, इसे तो हम 1000 में नहीं करेंगे, काफी डिफरेंस पड़ेगा, इसे कर लीजिए तो क्या होगा 10 की घात 3 और इसकी भी बाहर घात कितनी है 12, भाग किससे देना है 10 की घात 30 से, तो कीजिए। अब जब हम इसको खोलेंगे क्या होगा 10 की घात, बताया था कि घात क्या उसमें क्या हो जाती है गुना, तो 12 तिया कितना हुआ 36 अपॉन 10 की घात 30, अब जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगी ये घात माइनस में, 10 की घात 36 गुना 10 की घात माइनस 30, ऊपर जाते ही चेंज चेंज हो जाता है, तो अब क्या है दोनों के आधार समान है, तो 10 की घात 36 में से 10 की घात 30 बताइए कितना बचा 10 की घात 6, तो उत्तर क्या आया हमारा 10 की घात 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 341 गुना 49 के बटे 216 गुना 16 गुना 81, इसका आंसर निकालना है, कैसे निकालोगे, तो देखिए कैसे निकालना है 343 घात के रूप में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्य 49 सत्य 343, ये बदल लिया, इसे बदलिए 7 गुना 7, 7 सत्य 49 हो चुका है, यहां से बदलिए 216 के, जैसे ही हम गुणनखंड करते हैं क्या आता है 6 6 36 छिका 216, 16 के कीजिए 4 गुना 4, यहां से कीजिए 81 के 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, अब यहां से देखिए ऊपर 7 है, 7 की घात कितनी हुई 1 2 3 4 और 5, नीचे 6 की तो घात हुई 3, 4 की घात 2, 3 की घात 4, लेकिन नीचे आधार हमारे अलग अलग बन गए, 7 से है तो इसको हम भाग तो नहीं दे सकते, सबके आधार अलग अलग है, इन आधार को भी समान कर दीजिए, कैसे 6 को डिवाइड कीजिए 2 दिया 6 में, 4 के 2 के रूप में कर लेंगे और 3 का तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ क्या होगा 7 की घात 5 तो पहले से है, तो इसे 6 को लिख देंगे 2 गुना 3 की घात 3 गुना 2 की घात 2 गुना पहले से 2 घात है
तीन की घात चार। अब जब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ये यहां कर लेते हैं, सात की घात पांच अपॉन दो की भी घात तीन, तीन की घात तीन, दो की घात कितनी हो जाएगी दो दुनी चार, और तीन की घात चार पहले से ही है। तो अब देखिए दो की घात कितनी हुई, तीन और चार सात, नेक्स्ट लाइन में क्या बनेगा, सात की घात पांच अपॉन दो की घात तीन और चार सात गुना तीन की घात तीन और चार सात। अब यहां पर घात समान आ गई, पहले भी बताया था जब घात समान हो आधार अलग हो तो उन दोनों आधार को एक जगह लिखिए और घात एक जगह लगा दीजिए। जैसे अब ये यहां से क्या बनेगा, सात की घात पांच बटे दो गुना तीन की घात सात, अर्थात सात की घात पांच बटे दो तिया छह की घात सात। ये है इस सवाल का उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के स्क्वायर इक्वल टू 25। निकालना क्या है, उन्हें ज्ञात करना है एम की घात एम बराबर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ m का मान ज्ञात करेंगे, तो जो घात है यहाँ ये घात का मान क्या है, ये m की जगह और ये m की जगह है, लेकिन पहले हम m का मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमें आधार की घात बराबर करनी होगी। आधार तो क्योंकि हमें नहीं पता तो हम क्या बराबर करेंगे, इनकी घात। तो m के स्क्वायर इक्वल टू इसे पांच के रूप में बदल दीजिए, हो गई दोनों की घात सेम। तो जब घात सेम है तो यहां से m बराबर हमारा क्या निकला, m बराबर निकला पांच और n बराबर निकला दो। निकालना क्या है, n की घात m। अब जहां n है वहां m लिखना है और जहां m है वहां पर लिखना है n। तो n अर्थात दो की घात पांच हमें ज्ञात करनी है। दो की घात पांच कितनी हो जाएगी, दो की घात पांच होती है 32। तो इस सवाल का उत्तर क्या है हमारा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 81 की घात 3 बटे 4, इसे सोल्व करना है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात क्या होती है, 81 के अगर हम घात के रूप में बदलें, 9 की घात के रूप में बदल सकते हैं, क्या हो जाएगी 9 की तो 2 घात हो जाएगी, 3 की भी घात के रूप में हम बदल सकते हैं, लेकिन हमें बदलना किस घात के रूप में है उसको हम कैसे पता करें। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप यहाँ देख लीजिए ये कितना लिखा है 4, तो उस संख्या इसके वे टुकड़े कीजिए जिसकी घात 4 आ जाए, तो क्या होगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, हो गए 3 के 4 टुकड़े। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, 3 की घात 4 और इसकी भी कितनी है बाहर 3 की घात 3 बटा 4। अब क्या होगा, दोनों की इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की घात 4 गुना 3 बटा 4, 4 से 4 डिवाइड कितना बचा, 3 की घात 3 अर्थात 27। उत्तर क्या आया, 27। उत्तर में घात के रूप में दिया हो तो ये लगाइए, आंसर ऐसे निकाला हो तो ये लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1/64 और इसकी घात कितनी है, माइनस का 2/3। सबसे पहले आप इसे माइनस की घात को चेंज कर दीजिए, जैसे माइनस की घात अगर यहां आई है तो इसका अर्थ क्या है, ये नीचे की संख्या ऊपर हुई होगी और ऊपर की नीचे, तो इसे आप 1/64 कर दीजिए ऐसे, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 की, जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, 1 की भी घात यही और इसकी भी घात यही, तो ये घूमकर जब इसे हम प्लस की घात में करेंगे तो आ जाएगा 64 की घात 2/3। प्लस में करने के लिए हमें से चेंज करना होता है, तो ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाती है, तो 64 का 2/3 हुआ। अब 64 की को घात के आधार के रूप में बदलिए,
कैसे, कितने घात होनी चाहिए? जो घात यहाँ लिखी है वो होनी चाहिए। अगर बन जाए तो ठीक, नहीं बनती है तो फिर हम जो भी उसके नजदीक बैठते हो उसे कर लीजिए। तो 64 किसके के ऐसे क्या टुकड़े होंगे? चार, चार चौक 16 चौक 64, चार की घात 3, 2/3, 8/64 कर देते हम। लेकिन 8 की 2 घात हो जाती, करनी क्या थी हमें 3 वाली, इसलिए हमने यहाँ 4 को लिया है अपॉइंटमेंट में। अब क्या होगा, 4 की घात 3 गुना 2/3, 3 से 3 डिवाइड, 4 की घात 2 इक्वल टू कितना आंसर आया, 4 × 16। तो आंसर क्या हो गया, 4 की घात 2 या फिर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, तेईस की घात 2.8 गुना 23 की घात 7.2 गुना 23 की घात 3.6 बराबर 23 की घात 3, हमें क्या करनी है, यहाँ कितनी घात आएगी? अब आधार सभी में समान है तो हमें क्या करना है, इनकी घात को आपस में जोड़ देंगे। सीधा सीधा कीजिए, आगे से डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, पहले बात का भी क्वेश्चन कर चुके हैं। केवल घात जोड़िए, 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं है नहीं, तो जोड़ के क्या आ जाएगा, इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 और 6 16, 1 कैरी 1 और 2 3 और 7 10 और 3 30। तो इधर हमारी घात का मान क्या आया, इधर आ जाएगा 23 की घात 13.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, 4 की घात है 2.3 गुना 2 की घात है 2.3 और 8 की घात है 1.7, मान ज्ञात करना है। अब चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर घात भी अलग अलग है, केवल इन दो की सेम है, बाकी की तो अलग है, आधार भी हमारे सेम नहीं है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आप आधार सेम कर लीजिए, क्योंकि हो जाएंगे, यहाँ 4 है 2 है 8 है, तो यहाँ से 2 की 2 घात बाहर 2.3, 2 की घात 2.3, 8 का क्या कर लेंगे 2 की 3 और 1.7, खोलिए इसको, कितना हुआ, 2 की घात 2 की 2.3 में गुना करेंगे क्या जाएगा 4.6, इधर से इतना ही रह जाएगा 2.3 और यहाँ से 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 की, 1.7 में गुना करेंगे तो 5.1। नेक्स्ट लाइन में अब हमारे आधार यहाँ समान हो चुके हैं, तो 2 की घात इन सबको जोड़ दीजिए, 4.6 प्लस 2.3 प्लस 5.1 क्या आएगा, 2 की घात चलिए जोड़िए, 6 और 3 9 और 1 10, 4 तो 6 और 5 11 और 1 12, अर्थात 2 की घात 12 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 64 की घात है 3.1 गुना 8 की घात है 4.3 और इधर 8 की घात है x, क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। आधार सेम है सब में, नहीं यहाँ सेम नहीं है, तो यहाँ सेम कीजिए 8 की पावर 2, जल्दी से कीजिए, तो क्या करेंगे हम इसको यहीं से कर लेंगे 8 की पावर 2, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, जब इसको इनकी आपस में गुना होकर 2 की गुना 3.1 में करेंगे 6.2, ये हुआ। अब क्या करना है, अब हमारा पहले वाला क्वेश्चन बन गया, आधार सब में समान जोड़ दीजिए, 6.2 में 4.3 जोड़ना है, इधर x का मान है 3 और 2 5, 6 और 4 10, तो x का मान क्या आया 10.5। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 0.00032 और इसकी पावर है 0.6, इसका मान क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, हटाइए यहां से,
32 बटा कितना हुआ, दशमलव हटाया वन लगाया, 1, 2, 3, 4 और 5, पांच अंक पे 5 यहाँ जीरो लगेंगी। अब यहाँ से इस घात में भी दशमलव है, 6 बटा 10 करेंगे। अब क्या करना है, अब इन्हें घात के रूप में चेंज कर दीजिए। 32 को क्या लिख लेंगे, 2 की घात 5 और नीचे 10 की घात कितनी है, 10 की घात भी यहाँ 5 है और बाहर 6 बटा 10। यहाँ दोनों की सेम घात है तो हम लिखेंगे 2 बटा 10 की घात 5, बाहर 6 बटे 10, 5 से 10 काटा 2 बार, 2 से 6 काटा 3 बार, तो क्या आया, 2 बटा 10 की घात 3। ये हमारा इसका क्या हुआ, उत्तर। अब अगर हम इसको पॉइंट में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पॉइंट में था इसलिए हम इसका आंसर भी पॉइंट में ही निकालेंगे। 10 से 2 को भाग देंगे क्या आएगा, 0.2 की पावर 3। तो उत्तर क्या हुआ, 0.2 की पावर 3। या फिर इसका आंसर इसे भी खोल कर दिया होगा तो क्या हो जाएगा, जब इसे हम खोलेंगे 0.008, 2 की पावर 8 होगी और 0.3 अंक पर दशमलव आ जाएगा, तो उत्तर 0.008। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, n की पावर n प्लस 4 माइनस 6 गुना 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 2 और इक्वल हमें यहाँ इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन बड़ा हार्ड सा लग रहा है, लेकिन करेंगे इसको, इसके आधार जो है वो उन सबको आराम से चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो लिखिए इसको ऐसा कैसे ही, 6 को हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं 2 या 6। 3 की पावर n जमा 1 पहले से है, 3 की पावर n जमा 2 यही है। अब इसमें नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो ये 3 की पावर भी 1 है, इन दो में आधार सेम है, तो ये घात जुड़कर क्या हो जाएगी, n की पावर यहाँ 2। अब यहाँ n प्लस 4 है और यहाँ है n प्लस 2, नीचे भी n प्लस 2 है, तो कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3 की घात n प्लस 2 ऊपर की संख्या में से। तो यहाँ n बाहर निकला, 2, 4 में से 2 बाहर निकले, अंदर क्या बचा, 3 की घात 2। यहाँ से माइनस में क्या बचा, केवल 2 बचा है, ये सारा बाहर आ चुका है। नीचे क्या बचा, 3 की घात n प्लस 2, इससे ये हमने डिवाइड कर दिया, क्या बचा, 3 की 2 माइनस 2, 3 की 2 अर्थात 3 या 9 -2 = 7। उत्तर क्या आया, इस क्वेश्चन का उत्तर आया हमारा 7। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए मेरे ख्याल से सभी टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं। क्वेश्चन है, 3 की घात x + y = 81। मान क्या ज्ञात करना है, सॉरी एक और, 3 की घात x + y = 81 और 81 की घात x - y = 3। उल्टा कर दिया, 3 की जगह 81 और 81 की जगह 3। अब हमें मान क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर x के और y के मान ज्ञात करने हैं, x और y इन दो के मान ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से है 3 की घात x + y, आधार सेम करने हैं, इधर 3 है तो इधर भी 3 लेकर आइए आधार में, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 या 9 थी 27 या 81, 3 की पावर 4, घात की तुलना कीजिए, आधार तो अब सेम हो चुके हैं, x + y = 4, ये हमारी समीकरण नंबर 1 बनी। अब दूसरे सवाल में देखिए, फिर से वही होगा, 3 की पावर 4 अंतर इधर आएगा, x - y = 3, इसकी एक और लाइन बन जाएगी क्या,
चलिए यहीं से डायरेक्ट गुना करते हैं, चार की गुना एक्स में करेंगे चार एक्स और वाई में करेंगे चार वाई, चार एक्स माइनस के चार वाई, और इधर से तीन, केवल तीन है अर्थात तीन की घात एक है। अब फिर आधार की सेम घात की तुलना, चार एक्स माइनस चार वाई बराबर एक, ये समीकरण नंबर दो। अब समीकरण नंबर एक और दो को सोल्व कीजिए, कैसे सोल्व करना है, एक्स और वाई के मान सेम कीजिए, या तो आप एक्स का कर लीजिए सेम या फिर वाई का सेम कर लेंगे। तो चलिए समीकरण नंबर एक में अगर हम चार की गुणा करते तो मान यहां बराबर हो जाते हैं, क्या हुआ समीकरण नंबर एक में चार से गुणा करी, चार एक्स प्लस चार वाई इक्वल टू चार चौक सोलह, यहां पर सेम ऐसा ही रख दिया। अब अगर हम इनको जोड़ दें ये दोनों कट जाएंगे, और ये दोनों चार और चार आठ एक्स, सोलह और एक सत्रह, एक्स का मान सत्रह बटा आठ, तो उत्तर हमारा क्या आया सत्रह बटे आठ एक्स का मान आया। वाई कभी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इस एक्स के मान को यहां से निकल में रख देंगे, एक्स प्लस वाई बराबर चार, एक्स का मान सत्रह बटे आठ प्लस वाई इक्वल टू चार, वाई बराबर हो जाएगा चार में से सत्रह बटे आठ बता देंगे, एलसीएम लेंगे आठ चौक बत्तीस माइनस सत्रह बटे आठ बराबर बत्तीस, में से सत्रह जाके कितने बचेंगे बारह में से सात गए पांच और दो में से एक गया एक, पंद्रह बटे आठ उत्तर क्या आ जाएगा, वाई का पंद्रह बटे आठ और एक्स का आया है हमारा सत्रह बटे आठ। ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर किए हैं। अब हमारा ये जो खाता का टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। अगर आप इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मैथ फॉर ऑल एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हमारे सारे वीडियो हैं। देखिए हमने बेसिक से शुरू किया है इसलिए अगर आप पहले उन्हें देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होगा वर्गमूल, करने को अच्छे से समझ में आने के लिए जरूरी होता है वर्गमूल को समझना, तो वर्ग और वर्गमूल क्या है इसके लिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।